यूपी के बाराबंकी में एक दलित युवती का शव मिलने से हड़कंप की स्थिति है। जानकारी के मुताबिक युवती शौच के लिए बाहर गई थी, इसके बाद वो काफी देर तक घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो उसका शव संदिग्ध अवस्था में सरसों के खेत में पड़ा मिला। वहीं मृतका की मां ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी दिमागी रूप से काफी कमजोर थी, उसको कोई अज्ञात शख्स बहलाकर अपने साथ ले गया होगा और उसके साथ रेप के बाद उसकी घटना को अंजाम दिया गया। मेरी फीस कटती गई, स्कूल बुला लेगा। हम डब्बा लेकर गए थे, डब्बा लेकर गए, डब्बा। अच्छा, कैसे पता चला? मेरी प्याज घिरिया ही बनी रहा है भैया, कोई बुला लेगा, सरसों में घिरिया ही बनी रहा है, तो जो है लकीर सरसों पड़ी रहा है। क्या पहने थी कपड़े? स्कूटर पहन रहा है, पूरी बहन के पहरे है उनका कुर्ता और बुंदा पहरे है, वो बाला पहरे रहा है। तो क्या पहले भी जाती थी इतनी दूरी है? नहीं, यहाँ गांव में कोई बला लेगा, गांव किनारे से। गांव किनारे से उसके पास मोबाइल वोबाइल भी था? कुछ नहीं, मोर दिमाग है कोई बला लेगा भैया, मोर दिमाग है बैली रहा जो कोई बला लेगा। उससे पहले उस तरफ नहीं जाती थी ना? मतलब नहीं जात रहा, इसी हुआ टट्टी, मगर जाने कोई नहीं पावा। कैसे सूचना मिली आपको? हम तो 1.5 लाख चाय भैया पीत रहा है, हम वो नहीं पिए पैसे बला तो हमारी बिटिया आवे चाय पी तो अबे नहीं भाई तो कहा हेर पिया सब कहूँ तो अब थोड़ी देर में है भाई। शाम में क्या बजे पता चला आपको? अरे हमका भाई 5-5 बजे पता लाग है। किसने बताया? कोई हुआ घर रहा तो कहीं चप्पल बहाये पर पता नहीं लागे। अच्छा। वहीं युवती की हत्या की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही रेप की बात साफ हो पाएगी। एक लड़की 22 साल उम्र की है, जो जिसकी डेड बॉडी जयपुर थाना क्षेत्र में मिली है। ये कोठी थाना क्षेत्र के कोरहापुरवा गांव की रहने वाली है और जयपुर थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव में इसकी सरसों के खेत में बॉडी मिली है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसके खुलासे के लिए 5 टीमें लगाई गई हैं, जिसमें सर्विलांस की टीम और हमारे 4 थानों की टीमें लगाई गई हैं और पुलिस बल मौके पर मौजूद है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने 5 टीमों का गठन कर दिया है और घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। लेकिन युवती की मौत की वजह से परिवार काफी सदमे में है। बाराबंकी से अर्जुन सिंह, पंजाब केसरी टीवी।